क्या है ये सब? तुम बेकार की बातों में वक्त जाया कर रहे हो। जो कहा है वो करो, मौलाना साहब को वापस भी जाना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब तुम कर क्यों रही हो। क्योंकि तुम ये चाहते थे, बल्कि चाहते हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, तुम्हारी जिद पूरी हो रही है। मुझे यहां तक लाने के लिए किया था ना तुमने ये सब, तो लो आ गई मैं। अब बंद करो ये खून खराबा। मैं अपनी वजह से किसी बेकसूर की जान खतरे में नहीं डाल सकती। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? फरीद, जो तुम्हारी वजह से इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। क्या कसूर था उसका? ये कि मैं उसे चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा करूंगा भी क्यों? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। मगर वादा पूरा करने का कोई वादा नहीं किया था। देखो मोहित, मैं दहलीज पार करके आ चुकी हूँ। वहां मेरी माँ दुनिया वालों के सवालों के जवाब दे रही होगी, और उनका मुंह बंद करने का सिर्फ एक हल है मेरे पास, और वो है मेरी अभी और इसी वक्त शादी। तुम यूं ही झूठी सफाइयां देने में वक्त जाया करते रहे तो मैं किसी और से निकाह कर लूंगी। क्या पागल हो चुकी हो? कर दी गई हूं। मैं सच कह रही हूं, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ये निकाह ना हुआ तो मैं तुम्हारे गेटकीपर, तुम्हारे ड्राइवर, जो भी सबसे पहले नजर आया उसी से, बल्कि अगर कोई ना मिला तो इसी मौलाना से कहूंगी कि अपना निकाह पढ़वा ले मुझसे।